आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 4309 मामले सामने आए हैं, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 44 मरीजों की मौत हो गई है। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1670, हरिद्वार में 1144, नैनीताल में 438, पौड़ी में 390, उधमसिंह नगर में 200, टिहरी में 110, चंपावत में 100, पिथौरागढ़ में 72, रुद्रप्रयाग में 64, उत्तरकाशी में 49, बागेश्वर में 16, चमोली में 43, अल्मोड़ा में 42 संक्रमित मिले। इधर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 16, एम्स ऋषिकेश में 3, मैक्स हॉस्पिटल में 5, मेडसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 5, सेना अस्पताल देहरादून में 8, नीलकंठ हॉस्पिटल हल्द्वानी में 1, मेट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार में 1, एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1, प्रयास हॉस्पिटल खटीमा में 2, जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 2146 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देहरादून ऋषिकेश समेत कुमाऊं के कई हिस्सों में आज शाम से 3 मई तक कर्फ्यू। तो जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को देहरादून ऋषिकेश मुनि की रेती और कुमाऊं के लाल कुआं रामनगर हल्द्वानी टनकपुर वनवसा में आज शाम से 3 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। देहरादून के डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमन टाउन क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि मंगलवार से रोजाना शाम 4 बजे तक जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं आज बाजार शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। 7 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी, मीट मछली राशन व पशु चारा की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें खुली रहेंगी। ये हैं दिशा निर्देश। तो सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, टैक्सी, टेम्पो, थ्री व्हीलर, विक्रम आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। जनपद दून के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश 21 अप्रैल 2021 लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान कर्फ्यू पास जो वेबसाइट है smartcitydehradun.uk.gov के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। शादी में अधिकतम 50 लोग होंगे शामिल। तो प्रदेश में अब विवाह सहित अन्य सामाजिक आयोजनों में शामिल होने की वालों की इजाजत अधिकतम संख्या 50 तय कर दी गई है। 18 पार वाले लोगों को पंजीकरण के बाद टीका। तो देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच टीका लगवाने वाले 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविन वेब पोर्टल पर पंजीकरण व टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य होगा। वहीं केंद्र सरकार के एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात व दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना मध्य मई तक चरम पर होगा। संक्रमण की दूसरी लहर में यूपी में 30 अप्रैल तक 1 लाख से ज़्यादा मामले आ सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया। तो दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई सुबह 5 बजे तक कर दिया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान में कोविड टेस्ट का फर्जीवाड़ा। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान में कोविड टेस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक फर्जी एजेंट ने बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी व रिसर्चर के सैंपल लेकर 24 घंटे में फर्जी निगेटिव रिपोर्ट थमा दी। लैब में RT-PCR सुविधा नहीं होने और कुछ अन्य तथ्यों के बाद एक रिसर्चर ने ये फर्जीवाड़ा पकड़ा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट कोरोना के चलते 2 मई तक बंद। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाई कोर्ट की ओर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय को 26 अप्रैल सोमवार से 30 अप्रैल तक फिर बंद कर दिया गया है। इसके बाद 1 और 2 मई को क्रमशः शनिवार और रविवार होने के कारण अब कोर्ट 3 मई को खुलेंगे। हेमकुंड के कपाट 10 को नहीं खुलेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तिथि स्थगित कर दी गई है। कपाट 10 मई को खुलने थे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि देश में तेजी से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए कपाट खुलने की तिथि टाल दी गई है। आज सशर्त लॉकडाउन पर फैसला कर सकती है सरकार। तो कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में सशर्त लॉकडाउन का फैसला हो सकता है। कई मंत्री हालात को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन के पक्ष में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के स्तर से अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। कोविड संक्रमण के खिलाफ जंग
में सख्त रुख अपनाने का संकेत। रविवार को देहरादून में कोरोना कर्फ्यू और विवाह समारोह में लोगों की संख्या 50 तक सीमित कर सरकार पहले ही दे चुकी है। अभी तक सरकार की कोशिश माइक्रो कंटेनमेंट जोन और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराकर नाइट कर्फ्यू आदि के जरिए संक्रमण का प्रसार रोकने की थी, लेकिन हालात अब बिगड़ते ही जा रहे हैं। कुछ दिनों से प्रदेश में रोज 4000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए अब कुछ मंत्रियों ने लॉकडाउन पर जोर देना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर कई मंत्री पक्ष में आज कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव, तो प्रदेश में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ लॉकडाउन जरूरी हो गया है। मेरी अन्य मंत्रियों से बात हुई है और उनकी ओर से भी सहमति जताई जा चुकी है। देहरादून में लोगों को अस्पतालों में जगह तक नहीं मिल रही है। सोमवार को कैबिनेट है और इसमें लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर हरक सिंह रावत जो कि वन एवं आयुष मंत्री हैं, इनका कहना है। सरकारी कर्मियों को नियमित रूप से देनी होगी स्कूल फीस। तो प्रदेश में सरकारी और सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस नियमित रूप से जमा करानी होगी, जबकि अन्य अभिभावक ट्यूशन फीस जमा करने के लिए स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधक समिति से और समय दिए जाने का अनुरोध कर सकते हैं। फीस जमा कराने में देरी पर स्कूल छात्रों को बाहर नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल नहीं आएंगे शिक्षक। तो शासन ने ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षकों के स्कूल आने पर रोक लगा दी है। 12वीं की परीक्षा की तिथि 1 जून को होगी घोषित। तो उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की 4 से 22 मई तक प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है, जिसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए इस परीक्षा की नई तिथि 1 जून को घोषित की जाएगी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक निधि से दिए 1 करोड़ रुपए। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपनी विधायक निधि से सरकार को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। कोरोना काल में विधायक क्यों नहीं कर रहे मदद? तो कोरोना की महामारी के दौर में भी ज़्यादातर विधायक मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ बेड गोदाम में डंप। तो कोविड की मारक लहर के बीच एक तरफ अस्पतालों में बेड न मिलने से मरीजों की जान जा रही है, वहीं सरकारी खरीद के 450 हाईटेक बेड 7 महीने से रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में बने कोविड केयर सेंटर के गोदाम में डंप पड़े हैं। बेड की सप्लाई करने वाली कंपनी इनको फिक्स करने ही नहीं आई, इससे कोविड नियंत्रण की तैयारी सवालों के घेरे में आ गई है। मंत्री के भांजे को बेड न मिलने पर कांग्रेस प्रभारी ने कसा तंज। तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री के भांजे को बेड न मिल पाने की घटना को लचर सिस्टम का एक उदाहरण बताया। कहा कि स्टाफ की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों में भारी अव्यवस्थाएं अपने चरम पर पहुंच गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर में 40% मौतें युवाओं की। तो राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बुजुर्गों के साथ ही युवाओं पर भी कहर बरपा रही है। अप्रैल के महीने में अभी तक 364 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना बढ़ने के बावजूद घट गई पुलिस की सख्ती। तो कोविड संक्रमण की रफ्तार जानलेवा गति से बढ़ने के बावजूद मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पुलिस की सख्ती काफ़ी घट गई है। बीते कुछ दिनों से 5 से 6 हज़ार चालान ही प्रतिदिन हो रहे हैं। उत्तरकाशी बड़कोट में चेकिंग होगी। तो कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए नियमों की में सख्ती की गई है। मास्क नहीं पहनने, होम आइसोलेशन नियमों का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। दून ऋषिकेश में कर्फ्यू और हरिद्वार में शाही स्नान। तो कोरोना पर नियंत्रण के नाम पर राज्य में दोहरे नियम लागू किए जा रहे हैं, जहां राज्य भर में दोपहर 2 बजे बाद बाजार बंदी और शाम 7 बजे से कोविड कर्फ्यू लागू है। वहीं हरिद्वार कुंभ क्षेत्र को इससे छूट दी गई है। हरिद्वार कुंभ में 27 अप्रैल को शाही स्नान होना है। सब्जी राशन की दुकानें और डेयरी शाम 4 बजे तक खुलेंगी। तो प्रशासन ने बताया कि कोविड कर्फ्यू में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा।
जांच और टीकाकरण केंद्र जा सकेंगे। डीएम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान लोगों को नजदीकी कोविड जांच केंद्र या टीकाकरण केंद्र जाने की छूट रहेगी। अस्पताल में बेड भरे, पोर्टल पर खाली, तो दून में सरकारी पोर्टल पर बेड की उपलब्धता कुछ और दर्शाई जा रही है। अस्पताल में पता करने पर और नतीजे सामने आ रहे हैं, जिससे मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रविवार सुबह से दोपहर तक ऐसी ही दिक्कत मरीजों को झेलनी पड़ी। सरकार की पोर्टल पर दून अस्पताल में सुबह 11 बजे तक ऑक्सीजन बेड 24 और ICU बेड 5 खाली दिखाए गए। जब यहाँ मरीजों को लाने के लिए पूछा गया तो बेड भरे और पोर्टल पर गलत जानकारी होने की बात कही गई। दो मंत्रियों ने सारे उत्तराखंड में लॉकडाउन को जरूरी बताया है। कोरोना योद्धाओं मेडिकल स्टाफ के साथ एक ऐसा मजाक, तो दून अस्पताल में कोरोना मरीजों का सबसे ज़्यादा दबाव है। यहाँ पर डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन समेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई नायक अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना योद्धा मेडिकल स्टाफ के पास यहाँ पर प्रबंधक द्वारा मजाक किया जा रहा है। कोरोना काल में लगे 296 PRD एवं उपनल कर्मचारियों को अप्रैल माह बीतने को है, लेकिन मार्च का वेतन नहीं दिया गया। वहीं 31 मई से आगे इनको सेवा विस्तार भी अभी नहीं किया गया है। बिना वजह सड़क पर निकले वाहन चालकों के चालान काटे गए। प्रेमनगर में लगी वाहनों की कतार, तो करणपुर चौकी के सामने थर्मल स्क्रीनिंग करते रेड क्रॉस की सोसाइटी। रायपुर के कोविड केयर सेंटर में 60 ऑक्सीजन बेड शुरू किए गए हैं। दून में डबल म्यूटेंट वायरस सक्रिय है, तो देहरादून में कोरोना का डबल म्यूटेंट और यूके वायरस कहर बरपा रहा है। इसकी तस्दीक दिल्ली NCDC से आई रिपोर्ट में होती है। दून मेडिकल कॉलेज की VRDL लैब में मार्च में भेजे गए 26 सैंपलों में 5 में दूसरे वेरियंट की पुष्टि हुई है। बिना पंजीकरण रोडवेज बस में टिकट नहीं, तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को अब बिना ऑनलाइन पंजीकरण के उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में टिकट नहीं मिलेगा। पीस के हिसाब से बिकने लगे विटामिन सी युक्त फल, तो कोरोना के बढ़ते मामले पर अब सेहत पर भी ध्यान रखने लगे हैं। लोगों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त फलों और सब्जियों का सेवन करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बाजार में इन दिनों फल और सब्जियों की डिमांड बढ़ने के साथ कीमतों में इजाफा किया गया है। 150 रुपये किलो तक पहुँचा अदरक। एयरपोर्ट में नौकरी का झांसा देकर के 3 लाख रुपए ठगे गए हैं, तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर आई देहरादून से, युवक ने नौकरी के झांसे में गवाए 93,000 रुपए। वहीं देहरादून से ठगी का एक और मामला सामने आया है। क्रेडिट कार्ड KYC का झांसा देकर के 90,000 रुपए ठगे गए हैं। वहीं खबर है देहरादून से, निकाह करने के बाद 3 तलाक देने में मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से खबर आई है, शादी से मना किया तो वायरल कर दिया अश्लील फोटो, तो युवती ने शादी से इनकार कर दिया तो मनचले ने उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, युवती के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो अपलोड कर वेश्या बताया। पीड़िता की शिकायत पर रायपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अभिभावक बोले स्कूल बंद तो पूरी फीस भी नहीं। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से शैक्षिक संस्थान बंद होने से फीस का विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। स्कूलों को पूरी फीस देने का दबाव डालते देख अभिभावकों ने सरकार से तत्काल पूर्व के केवल ट्यूशन फीस की व्यवस्था बहाल करने के आदेश जारी करने की मांग किए हैं। वहीं खबर है, चमोली से सुमना आपदा में 2 और 100 मिले 6 लापता, तो सुमना सेकंड में हुई हिमस्खलन की घटना में मृतक BRO के 11 मजदूरों के शव घटना स्थल से खोजकर एयरफोर्स के 2 विमानों से जोशीमठ सेना ब्रिगेड हेलीपैड पर लाए गए, जबकि रविवार देर शाम एक और मजदूर का शव मिल गया जो सोमवार को लाया जाएगा। अभी भी 6 मजदूर लापता हैं।
मृतकों के परिजनों की मदद करेगा प्रशासन। तो चमोली जिले के जोशीमठ से 94 किलोमीटर आगे सुमना क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना में बीआरओ को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बीआरओ के जो मजदूर मरे हैं उनके परिजनों की आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया है। नीति मलारी और माड़ा में पहले भी हुई है हिमस्खलन की घटनाएं। वहीं खबर है पुरोला उत्तरकाशी से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। तो पुरोला पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे एक अभियुक्त को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। उत्तरकाशी से खबर है कच्ची शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। गढ़वाल में लॉकडाउन पर बाजारों में पसरा सन्नाटा। तो गढ़वाल में लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहा। वहीं खबर आई है श्रीनगर से। श्रीनगर बेस अस्पताल में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। शादी समारोह के लिए फिर मिलेगी ऑनलाइन परमिशन। तो जिले के सभी तहसीलों में बनाए गए हैं कंट्रोल रूम। तो यहां पर कंट्रोल रूम के नंबर भी दिए गए हैं। उत्तरकाशी से खबर आई है जीतू बगड़वाल मेला देवता मेले में उमड़े श्रद्धालु। तो चिन्याली सौण ब्लॉक के बगोड़ी गाँव में जीतू बगड़वाल देवता का मेला आयोजन किया गया। अल्मोड़ा बागेश्वर से खबर आई अल्मोड़ा और बागेश्वर में फिर 223 संक्रमित मिले हैं। वहीं खबर आई अल्मोड़ा से साप्ताहिक कर्फ्यू के दिन 480 लोगों को टीका लगाया गया। अल्मोड़ा में 60% गिरा कपड़ा कारोबार। कोरोना काल में पानी को तरस रहे पहाड़ के लोग। तो जिला मुख्यालय के लिए पहले ही पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। वहीं जल संस्थान के अधीन कोसी से बनी लाइन में आए दिन आने वाले खराबी पेयजल किल्लत में इजाफा कर रही है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जीवी पंत के निदेशक डॉक्टर रावत के निधन पर शोक की लहर है। हरिद्वार से खबर आई है आईपीएल में सट्टे में 2 व्यापारी को गिरफ्तार किया है। देव डोलियों ने किया प्रतीकात्मक स्नान पुष्प वर्षा। तो कोरोना महामारी के बीच रविवार को देव डोलियों ने हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड में प्रतीकात्मक स्नान किया। वहीं खबर है हरिद्वार से कोरोना संक्रमित महिला की मौत पर हंगामा। तो दूधाधारी बाबा बर्फानी कोविड केयर सेंटर में रविवार सुबह हुई कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। हल्द्वानी से खबर है राजपुरा घाट में रात तक जली रिकॉर्ड 21 चिताएं। तो रविवार को राजपुरा पर रिकॉर्ड 21 मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। रेमडेसिविर की बिक्री का रोजाना देना होगा ब्यौरा। तो प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए मेडिकल स्टोर होलसेलर के साथ कोरोना मरीज का इलाज कर रहे सरकारी व निजी अस्पतालों को रोजाना इंजेक्शन का ब्यौरा देना होगा। 200 और मिले, 6 की तलाश तेज। तो 12 हुई मरने वालों की संख्या। 9:30 बजे तक हर की पेड़ी पर स्नान कर सकेंगे श्रद्धालु। तो कल चैत्र पूर्णिमा पर 10 बजे के बाद संतों के शाही स्नान के लिए आरक्षित होगी हर की पेड़ी। देहरादून से खबर आई है घबराएं नहीं, रोज खुलेंगी जरूरी चीजों की दुकानें। तो एक हफ्ते की कर्फ्यू की घोषणा से असमंजस की स्थिति। प्रशासन ने कहा आवश्यक सेवाएं नहीं होंगी बाधित। फॉर्चून की दुकानें 7 बजे तक खोलने की मिले अनुमति। तो कोरोना गाइडलाइन के चलते खाद्य पदार्थों की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खोलने के आदेश पर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सहित कई व्यापारी संगठनों ने इसमें असहमति जताई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अप्रेंटिस करने का बेहतरीन मौका। तो 146 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो पद हैं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 30 अप्रैल को होगा। वहीं MTS व कई पद रिक्त, जल्द करें आवेदन। तो 567 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC के जरिए नौकरी पाने का अवसर। तो संघ लोक सेवा आयोग में ISS के पदों पर 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है देहरादून से युवक की आत्महत्या के मामले में 2 पर केस दर्ज किया गया है।
किशोरी के साथ तीन दरिंदों ने किया दुष्कर्म, तो पिता के पास ले जाने की बात कहकर एक युवती को फार्म हाउस पर ले जाकर तीन दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। वही खबर है, देहरादून से शादी से इनकार करने पर युवती को पीटा, केस दर्ज किया गया। वहीं देहरादून से ही खबर आई है, नेहरू कॉलोनी से महिला को दिया तलाक, नौ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दुर्लभ बतख और सांप को किया रेस्क्यू, तो वन विभाग के रेस्क्यू टीम के विशेषज्ञों को अलग अलग इलाकों में दुर्लभ प्रजाति की बतख और सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। वहीं मसूरी से खबर आई है, दुधली गांव में पानी के टैंक में के अंदर मिला सांप, तो शहर के दुधली गांव के पेयजल टैंक में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। मजबूरी, चार घंटे में जयमाला, फेरे, भोजन और विदाई, तो कोरोना संक्रमण के कारण दूसरे राज्यों के मेहमान समारोह में नहीं हो रहे शामिल। घरों मंदिरों में पूजे गए तीर्थंकर महावीर स्वामी। पीपल कोटी से खबर आई, तारों की मदद से नदी के दूसरे छोर पहुंचाए जेसीपी, तो द्विंग तपोवन क्षेत्र को सड़क से जोड़ने का काम तेज हुआ है। कर्फ्यू का दिखा व्यापक असर, सड़कों पर पसारा सन्नाटा, तो पुलिस रही मुस्तैद, सड़कों पर आवाजाही करने वालों के चालान काटे गए। वहीं रुद्रप्रयाग में दिन भर दौड़ते रहे वाहन। कोटद्वार में पूरी तरह से बंद रहे व्यापारिक प्रतिष्ठान। वही खबर आई है, गढ़वाल से कोरोना संक्रमण से आठ लोगों की जान चली गई, जिसमें कोविड अस्पताल श्रीनगर में छः, टिहरी व उत्तरकाशी जिले में एक एक मौत हो गई। ओलावृष्टि से सेब की फसल को 35% तक नुकसान हुआ है। वही खबर आई, नई टिहरी से 3 करोड़ खर्च, फिर भी सड़कें बदहाल हैं। सड़क से बचाव को चला सैनिटाइजेशन अभियान, तो रुद्रपुर श्रीनगर से खबर आई, कलेक्ट्रेट विकास भवन सहित विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। वहीं खबर आई, पौड़ी से ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों की पोषक अमिता सुयाल नहीं रही। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो निराशा के इस माहौल में उम्मीद जगाने वालों के हौसले को सलाम, तो अनजान फरिश्ते बचा रहे संक्रमितों की जान। तो कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कोविड प्लाज्मा टास्क फोर्स खामोशी के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। टीम के सदस्य प्रदेश भर में स्वस्थ हो चुके कोविड संक्रमितों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं खबर है, हरिद्वार से कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ है। बैंड बाजों ने तोड़ा कर्फ्यू का सन्नाटा, तो रविवार को धर्मनगरी और आसपास के देहात क्षेत्रों में करीब 200 शादियां हुई। सट्टा लगाते बुक्की और साथी को दबोचा गया, तो हरिद्वार से खबर आई, ऐप के माध्यम से लगाते थे सट्टा। कुंभ के बाद देवडोलियों का प्रस्थान, तो अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। बात करता हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो 100 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए गए, तो कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए सुशीला तिवारी अस्पताल में 100 ऑक्सीजन बेड बढ़ा दिए गए हैं। कोरोना कर्फ्यू आज शाम से प्रभावी हो जाएगा आदेश। दूसरे शहरों में रहने वाले हल्द्वानी में चाह रहे इलाज, तो एसटीएच हेल्पलाइन नंबर पर दूसरे राज्यों से अधिक फोन आ रहे हैं। हरिद्वार से बुक कर काठ कालाडुंगी में लूटी कार, तो हरिद्वार से नैनीताल के लिए बुकिंग कर लाई गई कार को यूपी के बदमाशों ने शनिवार की रात कालाडुंगी क्षेत्र में लूट लिया। वही खबर है, हल्द्वानी से बुजुर्ग महिला को नहीं मिल सका इलाज, तो ब्रेन हेमरेज पीड़ित वृद्धा को लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल, बेस और निजी अस्पताल के चक्कर काटते रहे परिवार के लोग। वही खबर है, हल्द्वानी से ही 13 की मौत, 438 केस मिले हैं। नैनीताल से खबर है, बंद रहा बाजार, सड़कों पर छाई सुनसानी, तो बस स्टेशनों पर भी कम दिखे यात्री। हल्द्वानी से खबर आई है, व्यापारियों की मांग, शाम 6 बजे तक खुले बाजार।
बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो 25 मई से जनरेशन प्लांट में 240 बेडों को मिलेंगे ऑक्सीजन। तो मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है। जाम में फंसे वाहन यात्री परेशान रहे, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से फंदे पर लटकी मिली प्रधानाध्यापिका, तो एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका का शव फंदे से लटका मिला। वहीं डीडीआर से खबर आई है, गैस सिलेंडर में आग लगने से पति पत्नी झुलस गए। पिथौरागढ़ जिले में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। 60 लोगों का टीकाकरण किया गया, तो चंपावत से खबर आई है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 5 डॉक्टर 57 कर्मियों की नियुक्ति, तो 20 स्टाफ नर्स 10 वार्ड बॉय और लैब टेक्नीशियन और 4 एम्बुलेंस के लिए 6 अतिरिक्त चालकों की तैनाती की गई है। वही खबर है, काशीपुर से फक्का कोट रवाना हो गई भगवती बाल सुंदरी। ट्रक चालकों ने की थी राजू कश्यप की हत्या, तो रामपुर बरेली और बाजपुर के 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक अभी भी फरार है। वहीं खबर है, रुद्रपुर से सायरन सुन इंजन छोड़ भागे चोर, तो सर्विस सेंटर में खड़ी कार का इंजन लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे।